यूपी के बलिया में मठ की जमीन पर कब्जे को लेकर एक महंत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई थी। राम जानकी लक्ष्मण मंदिर कदम चौराहा के सत्यदेव दास महंत ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग मठ की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है मंदिर की संपत्ति को हड़पना। महंत ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि इसकी जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर वो खुद भी गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी संत मिलकर आमरण अनशन करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी मठिया को पूरी तरह से जांच करावें और जांच करा करके और इसकी इस पर कार्रवाई करें। यदि ऐसा आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा और बैठेंगे। मेरी जान भी क्योंकि मठिया को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप भी संत हैं और इसलिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि आप हमारी मठिया को निष्पक्ष पूरी जांच करा दें। दोषी हूँ तो मुझको भी सजा दी जाए, यदि मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं योगी जी से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप भी संत समाज से हैं और मैं भी संत समाज से हूँ, इसलिए मठ की सुरक्षा होनी चाहिए, मठ की सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है। लेकिन अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। महंत ने जिन पर आरोप लगाया था वो अब सामने आ गए हैं। ये हैं राजेश सिंह और सुरेश सिंह, जिन्होंने बताया है कि आरोप बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि महंत खुद फर्जी है, वह सासाराम का रहने वाला है और यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। कुछ लोगों के साथ मिलकर वो इस मठ की जमीन को खुद हड़पना चाहता है। इन दोनों ने कहा कि यदि उनके साथ भी गलत हुआ तो वो भी आमरण अनशन पर बैठेंगे। बार नहीं, कई बार जिला अधिकारी और जिला कप्तान और जिला सीओ सिटी जिला नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ पत्र को कई बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ देता गया और हमारे ही पक्ष में वो सब साक्ष्य प्राप्त हुआ। उसके खिलाफ में जो है सारा जितना भी वो पत्रक दिया उसी के खिलाफ जाता गया। क्या वजह है कि इस तरह के बार बार आपके ऊपर वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं और एलिगेशन लगा रहे हैं? ऐसे तो ये ज़मीन जो है ये मठ की नहीं है, ये सियाराम दास कुटिया के नाम से सियाराम दास रूप जय नारायण सिंह थे, वो अपने 500 रुपये में 1937 में वो खरीदे थे। यहाँ करके रहने लगे, रहने के बाद जो है एक धर्मशाला टाइप का बना दिए और सब लोग यहाँ पर स्थानीय लोग आकर बैठने उठने लगे। ना कोई मंदिर का ज़मीन है ना कोई मठ का ज़मीन है और ये लोग जो है ये साधु जो है यहाँ सासाराम से आकर के फर्जी आदमी जो है यहाँ का स्थानीय कुछ अराजक तत्वों के साथ मिल करके हम लोग को परेशान करना चाह रहे हैं। एक महावीर दास थे, उनसे हम लोग रजिस्टर्ड डीड लिए, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी लिए, जो भी ज़मीन बेचे वो महावीर दास बेचे। हम लोग तो केवल अब लाज के लिए जो ज़मीन रजिस्टर्ड हमको भागीदारी के साथ मिला उस पर हम चला रहे हैं और जान करके ये हम लोग को परेशान कर रहा है ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। तो हम भी आमरण अनशन पर बैठेंगे। वो फर्जी खुद आया हुआ है, वो सासाराम का रहने वाला है, यहाँ का रहने वाला नहीं है। कुछ लोगों के साथ गैंग बना के ये खुद हड़पना चाहता है। यहाँ के महंत तो जो पुराने महंत थे सियाराम दास जी, उन्होंने रामुदार दास बड़ी मठिया के महंत को उन्होंने लिखा हुआ है। असली महंत तो रामुदार दास जी है यहाँ पे और ब्रह्मदेव दास जी। हाँ, ब्रह्मदेव दास जी, रामुदार दास जी यहाँ के महंत हैं। बोलो भी अनशन पर बैठेंगे, ये तो खुद फर्जी है। इससे पूछा जाए कि तुम कहाँ से आए हो, एक 500 रुपये का फर्जी स्टाम्प लेके आके और यहाँ कह रहा है कि हम महंत हैं। ये फर्जी खुद है ये आपका, ये कभी आया था यहाँ, कभी रहता था यहाँ पे, ये सासाराम का रहने वाला है, ये महंत भी नहीं है, ये पारिवारिक है, ये साधु का भेष बना के गैंग बना के ये लोग यहाँ मठिया को लूटना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। 2 साल से सारा किराया सारा सब कुछ ले रहे हैं लोग, ये पैसा क्या कर रहे हैं लोग। हम लोगों को तो जो पुराने महंत थे उन्होंने रजिस्टर्ड डीड के तहत एक दिया कि आप लोग ये होटल लाज चलाइए, हाँ, और जो है पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड दिया। हम लोग के द्वारा कोई ज़मीन नहीं बेचा गया है, जो बेचा गया है वो पूर्व महंत महावीर दास के द्वारा बेचा गया है, जो उसी के कहता कि हमारे गुरु थे। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।